अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद रमज़ान इश्तियाक और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज कंसल्ट किए थे कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करते हैं इंडिविजुअली कि हमें फ़लाँ सब्जेक्ट के जो है वो बता दें, सोर्सेज बता दें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कंप्रिहेंसिव मैं वीडियो बना दूँ ताकि सब लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। जो फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश ऐसे का, तो उसके लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसकी कोई ख़ास बुक नहीं है इंग्लिश ऐसे के लिए, ठीक है। तो आपने उसमें करना ये है कि आपने उसमें अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है। लेट्स से आप साइको जो है उसमें फ़िलासफ़ी करना चाह रहे हैं या आप करंट अफेयर करना चाह रहे हैं, उस डोमेन से रिलेटेड फिर आप चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें। जैसे माई डोमेन वाज करंट अफेयर्स, ठीक है। तो उसके लिए मैं करंट अफेयर्स की ज़्यादा चीज़ें पढ़ता था, जैसे कि मैगजीन्स हो गए, वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन आता है, ठीक है। इसी तरह किप्स का एक मैगजीन आता है, ग्लोबल एज, ठीक है। तो ये मंथली मैगजीन्स आप ये पढ़ना शुरू कर दें। और बाकी आपका न्यूज़पेपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर इंग्लिश प्रिपरेशन, जो आपकी ऐसे के लिए होगी करंट अफेयर्स के जो आपके टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो आप वो कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी आप जितनी भी रीडिंग करते जाएंगे इंग्लिश ऐसे का आपका मटेरियल जो है वो गैदर होता जाएगा। जो है आपकी अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ठीक है जी। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में व्हाट आई डिड के मैंने बुक कंसल्ट की थी सर, करीमदाद चुगताई की बुक थी, ठीक है। उसमें पास पेपर्स की प्रेसिस भी हैं, आप वहाँ से वो पढ़ सकते हैं प्रेसी वगैरह। फिर उसमें इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, आप वहाँ से वो तैयार कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड मैंने जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की बीए की बुक जो है बेसिकली वो आप जो है वो भी साथ में कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें भी पेयर वर्ड्स और इडियम्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रेसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी करनी है, लेकिन अगर आप मॉडल प्रेसिस देखना चाह रहे हैं तो वो सर करीमदाद चुगताई की बुक से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आवर सब्जेक्ट इज़ के जो हमारा है पाक अफेयर और करंट अफेयर्स, ठीक है। उसकी कुछ सोर्सेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे कि वर्ल्ड टाइम्स का मैगज़ीन हो गया, किप्स का ग्लोबल एज मैगज़ीन हो गया, उसके साथ आपकी बुक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बुक्स उसमें हैं। आप वर्ल्ड टाइम्स की बुक ले सकते हैं, किप्स की बुक्स आप ले सकते हैं और न्यूज़पेपर। इसमें कोई आप वो जो है जिसे कहते हैं कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही वाली बुक पढ़नी है। करंट अफेयर और पाक अफेयर बड़े ओपन एंडेड होते हैं, तो आप कहीं से भी उसको कंसल्ट कर सकते हैं, इवन आप गूगल से भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और इस्लामियात के लिए मैंने जो बुक कंसल्ट की थी बुक वो थी, एक तो सर करीमदाद चुगताई की बुक थी और एक कारवान पब्लिशर की बुक थी। तो आप ये दो बुक्स जो हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं। फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए मैंने जो है वो वर्ल्ड टाइम्स की जो बुक है वो कंसल्ट की थी, और एबिलिटी पोर्शन के लिए पास पेपर्स आप जो है वो उसमें से भी टॉपिक्स जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। फिर अगर आपने एबिलिटी पोर्शन को प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको जर्नल एडमिशन टेस्ट गैट की बुक मिलेगी डोगर पब्लिशर्स की, ठीक है। आपको वहाँ से टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चन, आप वो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब आते हैं ऑप्शनल्स की तरफ। तो माई ऑप्शनल्स वर इंटरनेशनल रिलेशंस फर्स्ट, ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए करीमदाद इकराम रबानी साहब, ठीक है, उनकी बुक मैंने कंसल्ट की थी। उसके अलावा प्रकाश चंदर, और नोट्स थे मैंने सर जुल्कर्न निज़ामानी के, जो लोग लाहौर से हैं तो उनको पंजाब यूनिवर्सिटी से ये मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो मैंने कंसल्ट किए थे। बाकी कुछ ऑनलाइन टॉपिक्स जैसे कि जो थेरीज वगैरह के होते हैं, कंसेप्ट वगैरह, वो ऑनलाइन गूगल से। नेक्स्ट माई सब्जेक्ट वॉज इंटरनेशनल लॉ, उसको मैंने जर्नल ही पढ़ा था। उसकी एक बुक थी, अब मुझे उसका एग्जैक्ट वो राइटर नहीं याद, लेकिन उसका ये था कि उसमें थोड़े से टॉपिक्स थे, ज़्यादा आपको ऑनलाइन गूगल करना पड़ेगा उसमें से, ठीक है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी माई जो फोर्थ बनता है तकरीबन ऑप्शनल, ठीक है, वो था, उसमें ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, ठीक है। अभी एक बुक शायद वर्ल्ड टाइम्स ने पब्लिश की है तो वो आप देख सकते हैं, उसको मैंने भी देखा है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें अच्छी लिखी हुई हैं। बट स्टिल जो हमारी है GPP, इस सब्जेक्ट के लिए आपको ऑनलाइन चीज़ें कंसल्ट करनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी। पंजाबी मेरा सब्जेक्ट था, पंजाबी में मैंने पंजाब रंग जो है ना वो पढ़ी थी बुक वहाँ से, और बाकी कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने नोट्स लिए थे पंजाबी की, जिसमें ख़ासतौर पर जो शायर हैं उनके अशार जो हैं वो उसमें लिखे हुए थे, हेडिंग वाइज के कौन सी हेडिंग से कौन सा शेर जो है उनका रिलेट कर रहा है। देन एनवायरमेंटल साइंस, उसके लिए मैंने सर इमरान बशीर की बुक कंसल्ट की थी,
ठीक है, और वो वर्क टाइम्स की पब्लिश्ड है तो वो आपको इजीली मिल जाएगी। और आई गेस कि ऑप्शनल्स पूरे हो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस का भी मैंने बता दिया, इंटरनेशनल लॉ का भी, पंजाबी का भी, एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का भी। ठीक है जी, तो बाकी आप लोग अगर कुछ पूछना भी चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे जो है वो पूछ सकते हैं। बस ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बनाना चाह रहा था कि ताकि जो लोग मेरे से ये इंडिविजुअली पूछ रहे हैं तो मुझे बार बार बताने के बजाय मैं एक ही वीडियो ऐसी बना दूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।